हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आज का टॉपिक है लीनियर इनिक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इनिक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझने के लिए आप पहले देखें कि इनिक्वेशन से पहले इक्वेशन देखें। तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है, तो आपने देखा होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये दो वेरिएबल हो गए एक्स और वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब इस जो ये वाला साइन है, इस साइन की जगह अगर ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें या ये लिख दें, ये चार में से कोई एक साइन आ जाए तो वो इक्वेशन की जगह क्या बन जाएगी, वो इन इक्वेशन बन जाएगी। और उन इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है, किस पे प्लॉट करना है हमको, ग्राफ पे। तो आपने इस टाइप की इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया होगा क्लास 10 में। अब हमें इस बार क्लास 11 में इस टाइप की इक्वेशन की जगह इस टाइप की एक इन इक्वेशन है। मान लीजिए कि इन इक्वेशन आपकी है x प्लस टू वाई और यहाँ लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू सिक्स, और कहेंगे कि इसको प्लॉट करें। तो पहले मैं आपको इसको प्लॉट करना सिखाता हूँ, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स को कैसे प्लॉट करते थे। जब आप पिछली क्लास में थे, आप x की वैल्यू लेते थे कुछ और y की वैल्यू निकालते थे। तो जब x की जगह जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो 3 आ गई। और y की जगह 0 लेते थे तो x की वैल्यू आ जाती थी 6। केवल दो वैल्यूज़ लेना ही सफिशियंट है, दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ अगर आ जाती हैं तो उन दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और वैल्यू लें, तो जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने ले ली 2 ले ली, तो जब ये 2 ले ली तो ये हो जाएगा 6 - 2 = 4 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये वैल्यू आई 2 2। और कोई वैल्यू ले लें आप तो और नई वैल्यू आएगी। फिर इन सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर पे ही बनानी है आपको। तो ग्राफ पेपर लिया, ये ओरिजिन हो गया आपके पास। यहाँ पे मैं प्रोविजनली मार्क कर देता हूँ, ये वो पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये 4 5 6। इस पे भी मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। लिख भी दें आप 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब इस इन पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स को, 0, 3 6, 0 2, 2, ये पॉइंट्स मार्क करें। तो कौन सा पॉइंट है 0, 3, तो ये आपका आ गया 0, 3, ये आ जाएगा आपका 6, 0। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0, 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, 0 और 2, 2 कहाँ होगा आपका, तो ये 2 और ये 2, एक्सटेंड करिए ये आ गया आपका 2, 2। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो आपको जितने भी पॉइंट्स आप इस पर लेते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, सारे पॉइंट्स, दोज ऑल पॉइंट्स विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। कोई भी पॉइंट आप अपने दिमाग का ले लो। पर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें 0, 3 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, आप देखो 0 + 2 × 3, तो 0 + 2 × 3 कितना आएगा, लेस देन और इक्वल टू 6, 6 लेस देन और इक्वल टू 6 है, लेस देन नहीं है तो बराबर है क्या, यस इक्वल है, तो या तो लेस देन हो या इक्वल हो, तो 6 इक्वल है। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स, अगर आप ये 2, 2 डाल दो इसकी जगह, x और y की जगह 2, 2 पॉइंट को सब्सटीट्यूट करो, 2, 2 सब्सटीट्यूट करो। अगर आप देखो इसको भी ज्वाइन कर लो आप, ये वाला आपका हो जाएगा, कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 3, 1 हो जाएगा। ग्राफ से भी क्लियर होती है पिक्चर, आप इसमें 3, 1 रख के देखो, 3 + 2 × 1 ये क्यों गड़बड़ हो रही क्या, ओ माय गॉड एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये यहाँ से आएगा, ये थोड़ा ऊपर है, ये 1 से थोड़ा ऊपर है, तो ये आ जाएगा 3 + 3, 1.5। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम सही आएगा, तो 3, 1.5 इस पे रख देंगे तो इससे भी आएगा आपके पास 6 इक्वल आएगा। तो जो जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो तो आएंगे, तो लाइन के सारे पॉइंट्स जो इस पे लाए करते हैं वो तो सारे इसको सेटिस्फाई
करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें एक और खास बात है, और भी पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? देखो आप इसमें ये वाला पॉइंट डाल के देखो, जैसे ये वाला पॉइंट डाल के देखो 1,1, ये वाला पॉइंट डालोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 × 1 < or = 6, ये आ गया 3 < or = 6, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला कर रहा है क्या, डज इट सेटिस्फाई? 0,0 तो 0,0 रख दो, तो x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, ये देखो कितना हो गया 0 + 0 < or = 6, ये भी सही है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है इधर के सारे सेटिस्फाई करेंगे। देखो ये वाला रख के देखते हैं 3,0, तो x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो देखें सेटिस्फाई करता है क्या, x की जगह 3 रख दें, y की जगह 0 रख दें, सेटिस्फाई करता है, करता है 3 < or = 6 करता है। लेकिन अगर एक काम करते दोस्तों, ये यहाँ का एक पॉइंट ले लेते, देखो यहाँ से ले लिया, ये जैसे 6 है और यहाँ से उठा लिया 1, ये वाला पॉइंट रख दिया 6,1, तो ये सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं। तो ये x की जगह 6 और y की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं कि डज इट सेटिस्फाई और नॉट, तो ये देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ रख दिया x की जगह 6, y की जगह 1 रख दिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नो इट डज नॉट सेटिस्फाई, ये वाला नहीं कर रहा है। इसके ऊपर का कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ये वाला ले लें 4,3 ले लें आप, 4,3 रख के देखें और फिर देखेंगे कि 4,3 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो 4 + 3 देखें, तो 4 + 2 × 3 ये कितना आएगा, 4 + 2 × 3 ये देखें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 6 = 10 = 6, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों, इस जो लाइन है इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ये वाला है, कौन सा पार्ट है, पार्ट वन, इसको कहो पार्ट वन कहते हैं, और पार्ट वन और इस वाले पार्ट को कहेंगे पार्ट टू। तो पार्ट वन है, ये टू जो है ये ओरिजिन की तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये वाले पार्ट के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं। आपने रख के देखे सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो 1.5,0, ये वाला ले लो सॉरी 0,1.5, 0,2, 0,3, 0,3 सारे करेंगे, पर आप ऊपर जाओगे तो नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेगा। 0,4 रखो यहाँ पे, 0 + 2 × 4 तो 0 + 8 < or = 6, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इधर के पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इधर के कर रहे हैं, और इस वाले को, इस वाले एरिया को कहेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन, और इसको कहेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। एक हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन और एक हो गया आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या ऐसा है क्या, कैसा कि टुवर्ड्स ओरिजिन का कोई भी पॉइंट रख लें अपन, ऐसे कितने सारे रख रख के देखेंगे। तो मेरी सलाह है कि अगर एक भी पॉइंट अगर उसका सेटिस्फाई करता है, एक भी पॉइंट या तो इधर का या उधर का एक भी करता है, तो जो भी करता है उसी की तरफ एरिया होगा इस इनइक्वालिटी के, सारा एरिया मतलब इधर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इधर के जब सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का कहेंगे कि एरिया, ये इनइक्वालिटी एक एरिया शो करती है, और उस एरिया, उसका एरिया किधर की तरफ होता है दोस्तों, टुवर्ड्स ओरिजिन। मतलब कहने का है कि ऑल पॉइंट्स बिलो द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले अब वो सारे पॉइंट्स जो लाइन के हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, दे ऑल विल सेटिस्फाई, बट ये सारे पॉइंट्स भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। आपने रख के देखा, तो फिर जब हम इसका असली में ग्राफ बनाए ना, तो ऐसे शेड नहीं करना है, तो ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, इसको ऐसे डार्क कर देते हैं कि ये सारे करेंगे, और ये लाइन तो कहाँ तक जाती है, ये तो इन्फाइनाइट तक जाती है, तो इन्फाइनाइट तक बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे लिख देंगे, ये इसका रीजन है, रीजन REGION, ये इसका रीजन है REGION, रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका एरिया
टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर इसी इनइक्वालिटी में, इसी इनइक्वालिटी में आपको यहाँ क्या होता है, दूसरा केस ले लेते हैं हम, 2x plus 2y greater than or equal to 6 होता तो क्या होता, x plus 2y greater or equal to 6 होता तो क्या होता, तो फिर लाइन तो इसी तरीके की बनती, पर उसके सारे पॉइंट्स किधर की तरफ होते, इस तरफ होते, इस तरफ अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसको इधर के पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं करते। तो देखें क्या रख के कि इधर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते कि नहीं करते। तो सबसे सिंपल पॉइंट है 0,0 रख के देखो इसमें। तो अगर आप 0 plus 0 greater or equal to 6 ट्रू और नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब इसकी तरफ नहीं होंगे, इसकी दूसरी तरफ होंगे। तो इसकी दूसरी तरफ मतलब इधर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इधर के पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे ये वाला करेगा 6,1 रख के देखो आप कैसा हो जाएगा, 6 plus 2 into 1 greater or equal to 6 ट्रू। तो उधर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इधर के नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या हैं, हम ज़्यादातर मतलब मोस्टली मेरी सलाह भी है, और आप वो पॉइंट कौन सा रख के देखा करो, 0,0 पॉइंट रख के देखो, 0,0 से सर्टेन हो जाता है कि इनइक्वालिटी का एरिया किस तरफ है। पर कभी कभी दोस्तों कोई इनइक्वेशन, कोई इनइक्वालिटी जो 0,0 से जाए, मतलब ऐसी भी लाइन होती ना, जो अभी ये तो लाइन, दोनों लाइन ऐसी बनाई थी जो देवर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पर अगर कोई ऐसी लाइन हो जो कहाँ से जा रही हो, देखो वो 0,0 से ही जा रही हो, ऐसी भी लाइनें होती हैं जो कहाँ से जाती हैं, 0,0 से जाती हैं। तो 0,0 से जाती हैं उसके भी बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको 0,0 से वेरीफाई नहीं करना। जैसे चलो एक बनाता हूँ मैं, देखो ध्यान से, x minus y greater or equal to 0। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, तो ये इसको भूलना पड़ेगा, इसकी जगह आप इक्वल टू लो। तो इक्वल टू लोगे तो लाइन हो जाएगी आपकी x is equal to y। फिर आप क्या करें, यहाँ पे x और यहाँ y की वैल्यू, x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, तो फिर y 0 मत रखो, y 0 रखोगे तो फिर x 0 आ जाएगा। तो आपको पॉइंट तो एक ही मिलेगा ना, अगर यहाँ भी 0,0 हो गया तो क्या दो पॉइंट मिले क्या, नहीं ना, दे आर नॉट डिफरेंट। लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 points आर नीडेड, 2 points कम से कम चाहिए। तो फिर दूसरा वाला पॉइंट मन से ले लो, x की वैल्यू ले लो 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये यहाँ पर एक तो पॉइंट ये हो गया। ऐसे पहले तो आप इसको आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के लिए उसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप देखते कैसे लेंगे। ये थर्ड केस है, ये सेकेंड केस। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पूरा समझ में आ जाएगा, और पूरा समझ में आ गया तो आपको फुल में से फुल मिल जाएंगे मार्क्स, और ये आपको आगे भी काम आएगा। ये 0,0 है, ओ 0,0। दूसरा पॉइंट है आपका 1,1, इसको 1 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो ये वाला पॉइंट है, तो ये लाइन आपकी हो गई। अब ये लाइन कहाँ से जा रही है, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से ही जा रही है, तो इसका एरिया या तो इस तरफ होगा, उसमें कहते थे टूवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसमें किसकी तरफ कहेंगे, तो दो पॉइंट्स बना लो। एक काम करते हैं, इसको नाम दे दो 0,1 और इसको दे दो 1,0, या इसको 2,0 और उसको एक और पॉइंट बढ़ा लो, और जितने चाहे उतने लिख लो आप। अब इसमें से ये दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट इधर का कर दिया, इधर का ये 1 और 2 इधर लिख दिए, उधर लिख दिए, इसका कोई रूल है क्या, देर इज नो रूल एट ऑल। वो समझाने के लिए 1 और इसको 2 लिख दिया मैंने। पर आप ध्यान से सुनिए, अब अपना जो एरिया होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। तो जब ये लाइन ओरिजिन से ही जा रही है तो अपन को ओरिजिन छोड़ के, ओरिजिन को नहीं रखते हुए दूसरा पॉइंट रखना होगा। तो दूसरा पॉइंट कौन सा रख लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट रख लेते हैं 1,0। तो 1,0 रख दिया मैंने इसमें, 1 minus 0 greater or equal to 0 ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना, तो ट्रू है तो एरिया किधर की तरफ होगा,
टूवर्ड्स 1,0, ये सेटिस्फाई करता है, 1,0 सेटिस्फाइज, इसको बोलेंगे ट्रू का मतलब है सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। देयरफॉर एरिया या रीजन, REGION रीजन शोन बाय कौन सी है इन इक्वेशन अपनी x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। और कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें ग्रेटर देने तो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन आपने देखा ना इसमें ग्रेटर देने पर एरिया किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि ग्रेटर देने तो ऊपर होगा और लेस देने तो नीचे होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। और अब फिर एक और केस आपसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हो, मान ले आपके पास लिखा है x प्लस 2y लेस देन 0, अब मैंने इक्वल टू नहीं लिया, इक्वल टू के कई केसेस हो गए थे तो लेस देन वाला केस लिया। तो लेस देन वाले केस में आप समझो, लेस देन वाले केस में आपको मैं समझाता हूँ, जैसा मैंने ये एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था ना, पहला वाला डिस्कस किया था, फिर पहले वाले में डिस्कस करके हमने कुछ इन्फरेंस निकाली थी, फिर इसके बाद आप समझते हैं। देखिए जब हमने पहले वाला डिस्कस किया था तो हमारी लाइन ऐसी जा रही थी, 0,3,6,0 ऐसी वाली जा रही थी, यहाँ पे भी पॉइंट्स आए थे, 2,2 आया था, ये 0,3 था, ये 6,0 था, ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये वाले सारे पॉइंट्स, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी कर रहा था, और एक पॉइंट लिया था हमने 3, तो ये यहाँ पे आया था 1.5, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह ये लिख देते, ये इक्वल टू हटा देते, हम लेस देन लिख देते, तो लेस देन लिख देते तो क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा था क्या? देखो ये इसको सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, अब तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमें इक्वल टू वाले नहीं चाहिए। 6 लेस देन 6 होता है क्या? नहीं, पहले क्या था, 6 लेस देन और इक्वल टू था, मतलब 6 6 के बराबर होगा तो भी चलेगा, अब क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये लाइन के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लाइन के पॉइंट्स नहीं करेंगे, पर लाइन के थोड़ा सा भी नीचे आ जाएंगे तो करेंगे। तो ऐसा बताने के लिए कि लाइन के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आपको ऐसा डॉटेड फिगर बनाना पड़ेगा। कैसा फिगर बनाना पड़ेगा? डॉटेड, ये लाइन जो बनानी पड़ेगी डॉटेड, और एरो तो उधर की तरफ बनाना पड़ेंगे, जो एरिया था ना ये तो टूवर्ड्स ओरिजिन है, अब मान लो यही है 4th, इसको हम 5th ले लेते हैं। अब अगर आपके पास ये आ गया तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, अब आपका काम आसान हो गया, बिल्कुल चिंता नहीं करो, सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 0 को ड्रॉ करो, यहाँ x ले लो y ले लो, x 0 लोगे तो y कितना आएगा, 0, x की ऐसी वैल्यू ले लो कि y की वैल्यू में कोई मतलब परेशानी नहीं हो, तो जैसे x की वैल्यू 2 ले लो तो y की कितनी आएगी, -1। तो अपनी लाइन कहाँ से पास होती है, लाइन पास होती है, देखो ये आपका O हो गया 0,0, अब लाइन कहाँ से पास होती है, 0,0 से होती है और 2,-1 से होती है, तो 2-1 कहाँ आएगा, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, तो आपकी लाइन ये यहाँ से जाती है 2,0 और 0,-1 से, ये इसमें लेस देन लिखा है तो ये लाइन को आप डॉटेड बना दो, तो बीच बीच में से ऐसे आप मिटा दें तो ये डॉटेड बन जाएगी आपकी, या आप डॉटेड खींच लें तो ये डॉटेड लाइन बन गई आपकी। अब आप इसमें ये ये 0,0 से जा रही है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 0,0 और 2-1 से पास हो रही है, तो देखो 0,0 तो ये हो गया और 2-1 ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट है 2,-1, तो आपकी लाइन ऐसी लाइन होगी, ये लाइन होगी। एरिया डिसाइड करना है तो ये वाला पॉइंट रख दो आप इसके अंदर, कौन सा वाला, 2,0, ये 0,-1 माना ना हमने, ये 2,0 इसमें रख दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 0, सही है गलत है, गलत है, गलत है, तो इस तरफ नहीं होगा, किस तरफ होगा,
इस तरफ होगा, इस तरफ के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ये था इसका फिफ्थ का, जिसमें आप हमने समझा कि एरिया किस तरफ होगा। अब अगर आपको कभी दोस्तों ऐसा भी आ जाए जिसमें एक्स और वाई दोनों में से एक ही चीज़ हो, है ना, तो आपको उसके केसेस समझने पड़ेंगे। तो मैं आपको उसकी नंबरिंग कर देता हूँ। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है आप याद रखो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है वाई एक्सिस, आपको मालूम होगा उल्टा होता है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू ज़ीरो एक्स एक्सिस, और इसमें ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इस तरफ होगा ये पूरा एरिया। आप देखो दूसरा वाला केस, एक्स लेस और इक्वल टू ज़ीरो, तो अब आप समझ गए होगे एक्स लेस और इक्वल टू ज़ीरो, तो पहले आपको ये मालूम हो कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कौन, तब आप निकाल पाओगे। अगर आपके पास है वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो कौन होता है, ये होता है वाई इक्वल टू ज़ीरो एक्स एक्सिस होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ये हो गया। अगर आपके पास है वाई लेस और इक्वल टू ज़ीरो, ये वाले आप ध्यान रखिएगा, y लेस और इक्वल टू ज़ीरो बिल्कुल सरल है, आपको याद हो भी गए होंगे, ये y इक्वल टू ज़ीरो है और इसमें लेस देन ज़ीरो बोला है, तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब और थोड़ी सी बात समझिए, ये स्टैंडर्ड वाले ये याद रखना है आपको, है ना, ये वैसे भी याद हो गए, लॉजिकली भी आपने समझ लिए। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में अगर आपके पास है x ग्रेटर और इक्वल टू a ले लें या k1 ले लें, k1 कौन है तो लिख दे k1 ग्रेटर देन जीरो है, तो x इज इक्वल टू k1, तो x इज इक्वल टू k1, पहले आप समझ लें कि x इज इक्वल टू k1 कौन होगा, ये होगा पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये हो गई k1, और x ग्रेटर और इक्वल टू k1 है तो फिर इस तरफ होगा। याद रखना जब भी x बराबर कांस्टेंट हो तो लाइन पैरेलल टू किसके होगी, y एक्सिस, उल्टा चलता है मैंने आपको बताया। अब अगर ऐसा हो तो x, देखो और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो x लेस देन और इक्वल टू k2, और k2 भी क्या है आपका पॉजिटिव है, तो पहले x इज इक्वल टू के टू बनाओ, पैरेलल टू y एक्सिस, ये बन गई x इज इक्वल टू के टू, और लेस देन बोला तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर आपको ऐसा बोल दे कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री है, तो अब क्या करोगे, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री है, तो y इक्वल टू माइनस थ्री क्या होगी, y इक्वल टू माइनस थ्री पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और ये नीचे की साइड होगी क्योंकि y इक्वल टू माइनस थ्री है ना, ये माइनस वन, ये माइनस टू, और यहाँ पे हो गई y इक्वल टू माइनस थ्री, ये लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस थ्री, और इसमें बोला है ग्रेटर, तो इस तरफ एरिया होगा, किस तरफ का एरिया होगा, इस तरफ का एरिया होगा। और कभी ऐसा दे दे कि y लेस देन माइनस टू, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, y लेस देन माइनस टू, तो y, अब और इतना सीख लोगे आप तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो ये y इक्वल टू माइनस वन है, ये y इक्वल टू माइनस टू है, ये y इक्वल टू माइनस वन माइनस टू है। अब लाइन कैसी आएगी आपकी, डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब डॉट्स आ जाएंगे, और आपका लेस देन है तो एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ, ये वाला एरिया हो जाएगा। क्या डिनोट करेगा ये एरिया, y लेस देन माइनस टू, ये एरिया y लेस देन माइनस टू का एरिया है। तो ये था, बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी बच्चों, वो कॉम्बिनेशन में आएगी, मतलब एक चीज़ नहीं होगी उसमें। अभी तो मैंने एक एक का केस लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है यूजुअली जो पूछते हैं उसमें कॉम्बिनेशंस भी पूछते हैं, और ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको हैप्पीली समझ में भी आ गया तो ये उससे भी खुशी की बात है। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम बताता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। एक है एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू वन, और दूसरी बात है, दूसरा केस, दो चीज़ें रहेंगी, एक साथ दो प्रॉब्लम है, तीन रहेंगी, चार रहेंगी, पांच रहेंगी, ज़्यादा भी रह सकती हैं, और एक है एक्स माइनस वाई लेस देन वन, एक में इक्वल टू रखा, एक में इक्वल टू नहीं रखा।
ठीक, दोनों में लेस देन वन है। अगर आप चाहो तो मैं इसमें ग्रेटर देन वन कर देता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किस लाइन को ड्रॉ करेंगे? एक टेबल बना ले छोटी सी, एक्स और वाई। एक्स जीरो रखा वाई बनाएगा, वाई जीरो रखेंगे एक्स बनाएगा। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी? जीरो वन और वन जीरो। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना अगर रफ बना रहे, वरना आप तो ग्राफ पे बनाएंगे तो नो इशू, ग्राफ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ये बना दिया ग्राफ, ये पॉइंट है जीरो वन, मान लो कि ये जीरो वन है, यहाँ पे वन मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, टू मान लो। तो ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा टू, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जीरो कॉमा वन। वन कॉमा जीरो कहाँ होगा? ये वन कॉमा जीरो ले लो, ये वाला ले लो टू, थोड़ा पीछे आएगा इधर। एक अंदाज से बना दिया मैंने, कोई इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी अपने पास है नहीं। ये टू कॉमा जीरो, आपकी लाइन कहाँ से जा रही है? जीरो वन और वन जीरो से, जीरो वन और वन जीरो, ये है, ये लाइन हो गई आपकी। इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये लिख दी इसकी इक्वेशन। इसमें क्या, इसमें तो ओरिजिन रख सकते हैं ना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो जीरो जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो लेस देन और इक्वल टू वन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इसका एरिया किधर की तरफ होगा? टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इसके एरोज इस तरह से बना देना, इस तरह से बना दिए। अब दूसरा केस है बच्चों कि एक्स की वैल्यू क्या है, इधर ले लें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन बनाना है हमको। एक बार एक्स की जगह जीरो ले लें तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस वन। और वाई की जगह जीरो ले लेंगे, एक्स कितना आएगा? प्लस वन। तो ये लाइन कहाँ से जाएगी? जीरो माइनस वन और वन जीरो से, जीरो माइनस वन और वन जीरो, जीरो माइनस वन नीचे आएगा। हो सकता है इसमें आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ नया बना देता हूँ। तो आप दूसरा, दोनों को एक में ही बनाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं बनाना, दोनों एक में ही बनेंगे। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी। ये 13 क्वेश्चन है, ये मैंने बना दिया, इतनी डिस्टेंस को वन मान लिया यहाँ पे, समझने के लिए, समझने के लिए। आप तो ग्राफ में बनाना तो टेंशन नहीं है। ये वन है, ये टू है, ये वन है, ये टू है। यहाँ पे नीचे ले लो, यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पर माइनस टू है। अब अपनी लाइन पहली वाली तो ये थी, पहली वाली तो आपने बना ही रखी थी, पहली वाली। देखो ज़्यादा सोच के बनाने ना ऐसे ही होता है, एकदम खट से बना देते तो गड़बड़ नहीं होती, कोई बात नहीं। देखो ये हमने पॉइंट बनाया था, ये देखो बन गई लाइन। इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। हमारा एरिया किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो ऐसी ऐसी लाइंस बना दी, ऐसी लाइन बना दी, ये बना दिया। अब हमारी जो दूसरी लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है? जीरो माइनस वन और वन जीरो से। तो जीरो माइनस वन कहाँ है? ये देखो, देखो दोस्तों, ये वाला पॉइंट है जीरो माइनस वन और ये वाला पॉइंट है वन कॉमा जीरो। अब इसको ज्वाइन कराते हुए बनाना है, पर एक लाइन यहाँ डायरेक्ट बना दी थी, ऐसे बना दी, क्योंकि इसकी लाइन अलग बनेगी, जीरो माइनस वन और वन जीरो। इससे जो जाएगी लाइन वो डॉटेड लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। तो डॉटेड लाइन बना दें यहाँ से, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन बनाई। इसमें भी जीरो जीरो रख दो, क्योंकि ये जीरो जीरो से पास नहीं हो रही, तो ये ओ है, जीरो जीरो, जीरो जीरो इसमें रख के देखते हैं। जीरो माइनस जीरो ग्रेटर देन वन, सही है क्या? नहीं है, ये गलत है। अगर गलत है तो फिर इसका एरिया जो है, इस डॉटेड लाइन का एरिया इधर की तरफ नहीं होगा, किधर की तरफ होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब उस तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के दूसरे तरफ, तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इसकी लाइंस किधर से आ रही थी? इसकी लाइंस इधर आ रही थी पहले वाले की। तो ये वाला एरिया जो है जहाँ पे ये लाइंस क्रॉस होती हैं, इसी एरिया को कहते हैं कॉमन एरिया। ये एरिया कॉमन एरिया है, आप ये वाला एरिया को कॉमन एरिया कहेंगे। तो ये था 13 क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे और इसी टाइप के डिस्कस करता हूँ,
जिसमें आपको बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, एक आप ले लें 3x प्लस 4y लेस और इक्वल टू 12 और 4x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 12 x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें केसेस भी आपने देखे, हमने बढ़ा दिए केसेस। तो पहले इसको ड्रॉ करें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 को। तो इसको ड्रॉ करने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 0 रखेंगे पहले, तो y आ जाएगा आपके पास 3 और y की जगह 0 रखेंगे x आ जाएगा 4। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, 0 3 4 0 से जाएगी। दूसरा केस कौन सा है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब x की जगह 0 रख दें तो y आएगा 4 और y की जगह 0 रख देंगे तो x आएगा 3। ये आ गया, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, 0 4 और 3 0 से। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना। तो आपको मालूम है कि x और y जब दोनों 0 से बड़े हों तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आओ और समझते हैं अभी, आप धीरे धीरे, आप चिंता नहीं करो। देखो पहले लाइन कौन से है, तो पहले एक ये ग्राफ बना दिया, इसमें 4 तक तो जाना ही है क्योंकि दोनों में 4 है। देखो आप, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। दूसरा कौन सा हो गया, इधर 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। लाइन कहाँ से जाती, 0 3 और 4 0 से। एक तो ये 0 3 हो गया और ये आपका 4 0 हो गया, ये लाइन है। इसके ऊपर लाइन लिख दें, थ्री इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, लेस देन नहीं लिखना। अब इसमें 0 0 सब्सटीट्यूट करके देखो, 0 प्लस 0, x की जगह 0 y की जगह 0 रखा तो 3 इंटू 0 0 4 इंटू 0 ये आ गया 0 प्लस 0 लेस देन 12। तो इसका एरिया किधर होगा, तो बहुत सारी लाइनें बनाने की जगह एक दो एरो बना लो आप, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है। ज़्यादा एरो बनाने से फिर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। इस वाली ये लाइन कहाँ से जाती है, 0 4 3 0 से। तो ये 0 4 हो गया आपका और ये पॉइंट हो गया आपका 3 0, ये वाला पॉइंट है 3 0 और ये वाला पॉइंट है 0 4। इसमें भी 0 0 डाल के देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, ट्रू। तो इसका भी एरिया किधर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इसके एरो ऐसे बना दे, थोड़े से ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। देखो इसके एरो पिछली वाले के एरो ऐसे थे। अब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा है, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 किधर की तरफ होगा, तो x ग्रेटर x इज इक्वल टू 0 इसको कहा है और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इधर है, इधर की तरफ एरिया है, इधर की तरफ एरिया, इधर की तरफ एरिया है, और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का एरिया इधर है, इधर है, इधर है। पर कॉमन एरिया कौन सा होगा, कॉमन एरिया वही होगा जहां सारे एरोज मीट करेंगे, तो वो कॉमन एरिया ये वाला एरिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला और ये वाला क्यों नहीं है, इसके लिए इसको मैं रब करके एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ जिसमें आपको बात आएगी समझ में कि वो एरिया क्यों नहीं है। देखो आप सबसे पहले ऐसे समझो, ये बनाया, पहली लाइन थी यूं जिसके एरोज इधर थे, इसके एरोज इधर है, तो ये वाला है, ये इसके एरोज इधर है, इधर तो नहीं है ना, इधर की तरफ नहीं है। अगर इधर की तरफ होते तो फिर कॉमन ये भी हो सकता था, इसके एरो इधर की तरफ है, इसके एरो उधर है, नहीं है ना, इसके भी एरो इधर है, इसके एरोज किधर है, इसके एरोज इधर है, इसके एरो इधर है, इसके एरो इधर है, पर इसके उधर नहीं है, तो इसलिए ये भी कॉमन नहीं होगा, ये वाला एरिया कॉमन होगा क्योंकि इसके भी किधर है, इसके इधर है, इसके इधर है, इसका एरो इधर है, पर इसका एरो तो उधर की तरफ नहीं है ना, अगर होता तो फिर होता, तो इसलिए कॉमन एरिया जो है हमारे पास
ये वाला होगा। और ये बात ध्यान रखेंगे आप कि आपको अगर ऐसा दिया हो, सॉरी x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो इसका यही मतलब होता है। क्या मतलब होता है इसका, आपको मालूम है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये वाला में क्या होता है आपके पास, और ये वाला क्या होता है, ये सब, ये आपको तो क्वाड्रेंट का सिस्टम तो मालूम है, तो कौन कौन सा किस क्वाड्रेंट का होगा इससे आप क्लियर कर सकते हो बात को। तो अब आप आगे आते हैं, अब आपको मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी बुक से 15th क्वेश्चन भी 15th है और हमारा भी 15 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 है। तो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, x प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, एक्स माइ, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि उन दोस्तों तक बात पहुंच जाए, उन साथियों तक आपके बात पहुंच जाए जहां बेचारे अच्छे टीचर के अभाव में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी कभी उनको दिक्कत भी आ जाती है, उनके सरकमस्टेंसेस अलग होते हैं, उनको ऐसी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है, फिर इसको ड्रॉ करना है, फिर इसको ड्रॉ करना है, और फिर ये तो मालूम है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले इसको x प्लस 2y इक्वल टू 10 लेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, और y की जगह 0 रहेंगे तो x ही आएगा। इसके लिए क्या आएगा, x की जगह 0 लेंगे y 1 आएगा, और y की जगह 0 लेंगे x 1 आएगा, x की जगह 0 लेंगे y 0 आएगा। अब x की कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे, 2 ले लें तो y 2 आ जाएगा। अब एक एक करके तीनों को ड्रॉ कर देते हैं, फिर कॉमन एरिया निकाल लेते हैं। देखो आप, ये 0.5 है और ये 10.0 है, तो ये स्केल छोटी पड़ सकती है क्या, हाँ, तो एक काम करते हैं, तो इसमें ठीक है छोटा ले लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है, ये 1 है, आप देखिए इस वाले के लिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, 8, 9, 10, ये हो गया। अब आपकी लाइन है 0.5, 10.0 से जाती है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 0.5, 10.0, तो 0.5, 10.0 थोड़ा बनाने में दिक्कत आएगी, बन गया, लगभग बन गया, ये आ गई। इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन भी लिख दें आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसका जो एरोज होंगे इसके वो टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे, क्यों, क्योंकि 0, 0 सेटिस्फाई करता है इसको, तो 0 प्लस 0 लेस देन 10 सही करता है, तो फिर ये इधर होगा। अब दूसरी लाइन है x प्लस y, ये वाली ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो ये 1.0 और 0.1 से जाती है, तो ये इसका मतलब ये यहाँ से जाती है, 0.1 और 1.0, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दें, इसमें भी 0, 0 डाल के देखें, 0, 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, गलत आया, इससे गलत आया, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरफ एरो आएंगे, इन दोनों का मतलब तो मालूम ही है आपको कि एरो इधर होगा और इसका एरो इधर होगा, इधर इसके एरोज इधर की तरफ होंगे। अब ये वाला जो है, ये वाला है जो 0, 0 और 2, 2, तो ये लाइन कहाँ से जाती है, ओ है, 0, 0, और 2, 2 कहाँ है, ये 2, 2 आ गया, ये तो ये लाइन कहाँ से जाती है, इससे जाती है, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 0, इसमें 0, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ये 0, 0 से ही पास होती है, तो फिर अपन क्या रख दें इसमें कोई दूसरा पॉइंट, ये वाला रख दो या ये वाला रख दो,
तो जैसे मैंने 1,0 रखा, तो 1-0 लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो गलत है, गलत है। तो इसका मतलब है 1,0 की तरफ नहीं होंगे इसके एरो, इसके एरो उधर होंगे। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कॉमन कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया, जहाँ सबकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर आप बहुत सारी ऐसी लाइंस बना दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग भी रखना। मैं एक बार इसको वापस से बनाता हूँ, फिर हम आगे की बात कर लेते। ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो इससे इधर है, इससे इधर है, इससे इधर है, इससे इधर है, सारे इसमें आ रहे हैं। ये वाला इसलिए नहीं होगा, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका भी इधर है, पर इस वाले का इधर नहीं है, इसलिए ये वाला एरिया नहीं होगा, यही एरिया होगा। तो ये था दोस्तों आज आपका लीनियर इनिक्वेशंस, बहुत यूजफुल है। आप इसको जो साइंस के स्टूडेंट है वो जेई में भी तैयार करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में 12th क्लास में आता है, 11th में तो आपने स्टडी किया ही है, आपके कोर्स का पार्ट है। और जो बच्चे क्लैट CA रीजनिंग और दूसरी चीज़ों की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी बेस्ट विशेस है, मालूम है आपको, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ऑल द बेस्ट।